मेरा भी ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। टुडे इज सैटरडे एंड आई एम जस्ट लीविंग फॉर माय ऑफिस। देयर इज अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाइट। लेट मी शो यू। नोस आया, धुंध हो रखी है, वो उड़ कोठे तो कावा वे भाई शाइटिंग। ओके थैंक यू। आई रियली डोंट नो क्या बोल रहे हैं, पर मैं उनको थैंक यू बोले जा रही हूँ, एज इफ दे आर प्रेजिंग मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। और सुबह वाली मॉर्निंग जो है वो हो चुकी हुई है, अभी मैं भाग रही हूँ ऑफिस की तरफ ताकि काम शाम जो है वो स्टार्ट किया जाए। आज एक शो भी है, वो भी कंडक्ट करना है, अलग अलग गेस्ट आ जाएँ बस, अगर आगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो हो गया था या नहीं हुआ था। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ऑफिस में। अरे वाह, ओपन हो गया खुद ही। यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है वो बन रही है और आज संडे है, संडे में आज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, सबके तो अपने अपने घरों में गए हैं। अगर मंडे तक ऑफ नहीं हुआ तो सब लोग कल तक आ जाएंगे, अदरवाइज शाम को ही आ जाएंगे। आज हवा जो है वो बहुत ठंडी सी चल रही है, बट इतनी है, बेयरेबल है, वो कांपने वाली नहीं है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है और मैं, मज़े की बात यह है कि सर्दियों के कोई कपड़े भी मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। घर जाना था, जाके लेकर के आने थे, मगर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल नहीं रही है जिसको मैं ग्रैब कर सकूं कि घर जाके अपने कपड़े जो है वो ले आऊं। मेरा यही था कि सर्दियों के कपड़े लेने तो जाना ही है मैंने, तब ले आऊंगी, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, एक दो हफ्ते, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर जाके सर्दियों के कपड़े जो है ना वो ले आऊंगी, कंबल चंबल ले आऊंगी। अब एक चीज़ देखिए, डिसाइड इंसान ने की होती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कोई मंकी बोल रहा है, बट इट इज़ नॉट मंकी, कोई परिंदा है शायद। ओके तो चलो मिलते हैं, मैं आपको ऑफिस में फिर बात करते हैं।
सो इस वक्त मैं लंच करने लगी हूँ। ये लंच आपको पता है मैं रात को बनाती हूँ, हॉस्टल जाती हूँ जाके मैं रात को बनाती हूँ लंच अपना, फिर मैं इसको रखती हूँ, फिर सुबह ऑफिस लेकर के आती हूँ, फिर लंच टाइम में 1 या 2 बजे के करीब मैं अपना लंच जो है ना वो करती हूँ। सो इस वक्त मैं लंच अपना जो है वो करने लगी हूँ और मैंने आज बनाया है ज़ीरा दम आलू और बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। मुझे नहीं पता था मैं यहाँ पे आकर इतनी अच्छी शेफ़ बन जाऊँगी। हर चीज़ खुद ही से नई नई चीज़ें ट्राई करे चले जा रही हूँ और वो बहुत ही अच्छी बनती चली जा रही हैं, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं की है बट बहुत लजीज बने हुए हैं। सो चलो मैं खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको एक बाइट लेके बताती हूँ कैसे बने हैं। बहुत लजीज है, मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, सच में बहुत लजीज है, बहुत मज़े का। रोटी भी मैं रात को ही बनाती हूँ साथ ही में बनाकर, तो फिर ऑफिस ले आती हूँ सवेरे के वक्त। सालन को गर्म करने का भी एक बड़ा यूनिक सा तरीका मैंने ढूंढा हुआ है, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। फिलहाल मैं अपना मील इंजॉय कर लूँ, अगर हो सका तो मैं आपसे मिलूँगी, कंटिन्यू करूँगी इस व्लॉग को, अदरवाइज फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक शो था, मैंने सुबह भी शायद आप लोग को बताया होगा, तो बड़ा मज़े का हो गया। अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आते हैं ना जो आपके मिजाज के होते हैं, लाइक बातें करने वाले होते हैं, उनको बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाली हूँ तो इसके बारे में आप रेडी रहिएगा या कुछ। ही वॉज़ ओवर रेडी, एवर रेडी। सो वो पहले से तैयार होते हैं, जैसे मैंने कोई बात की फ़ौरन कैच की और बोलना शुरू कर दिया। सर शो करने का मज़ा आता है जो नाल वाला बंदा भी बहुत ऑन जी तेज होवे ना, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का भी मजा आता है, ऐसे लोगों के साथ बात करने का भी मजा आता है और शो बहुत अच्छा हो गया, मुझे उस बात की खुशी है। तो आप लोग अगर मुल्तान से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो FM 99.4 लाजमी सुना करें और मुझे बताया करें कि हमारी ट्रांसमिशन जो है वो कैसे चल रही है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेहरबानी फरमा के इसको लाइक कर लिया करें वीडियोस को, और कमेंट भी करके मुझे बता दिया करें, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लिया करें, इसको शेयर भी कर दिया करें। अगर अच्छी लग रही हो आपको बात कोई तो ज़रूर इसको शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ में, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं स्टार्ट में डाल दूंगी और मैं आपको एक चीज़ दी। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, ये परिंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ तो कर। सो अब मैं अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को मिलूंगी, क्योंकि इसमें बैटरी उसमें जो मेमोरी है शायद वो बहुत कम रह गई है, वीडियोस जो है वो मैंने अभी तक इसमें से निकाली नहीं है, इसको सेव करना है, कल डाटा केबल लेकर के आऊँगी तो फिर इसमें सेव कर लूँगी लैपटॉप में। तो अपने अगले व्लॉग में मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिएगा और मेरा भी ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलें मिलते हैं फिर जल्दी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।